हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम द लायन किंग मूवी इसका रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों ये डिज्नी की बहुत ही एक ज़बरदस्त फिल्म है जो कि काफ़ी कामयाब भी रही है। द लायन किंग एक 2016 की अमरीकी म्यूज़िकल ड्रामा फिल्म है और इसे डायरेक्ट और को प्रोड्यूस किया है जॉन फेवेरुया ने। और आगे बात करें दोस्तों, द लायन किंग को का स्क्रीन प्ले किया है जेफ नेथनसन और ये आधारित है डिज्नी की लायन किंग। और आगे बता दूं, इसको प्रोड्यूस करने में हाथ है जॉन फेवेरू, जेफरी सिल्वर, कैरन गिलक्रिस्ट का। और अगर हम दोस्तों स्टेयरिंग की बात करें तो लायन किंग की स्टेयरिंग में आते हैं डोनाल्ड ग्लोवर, सेथ रॉगन, चिविटल इजियोफोर, एल्फ्रे वोडॉर्ड, बिली आइकनर, जॉन कानी, जॉन ओलिवर, बियोनिंस नोवेल्स कार्टर और आखिर में जेम्स अर्ल जॉनस। इस मूवी द लायन किंग की सिनेमाटोग्राफी की है कालेब डेस्ट चैनल ने और इसका एडिट किया है मार्क लिवोल्सी और एडम गेर्स्टल ने। म्यूजिक इसका हैंस जिमर ने दिया है और प्रोडक्शन कंपनी की बात करें दोस्तों तो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, फेयरव्यू एंटरटेनमेंट, इन दोनों ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है। और अगर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़, मोशन पिक्चर्स, इन दोनों का नाम आता है। और इसको जुलाई 9, 2019 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया, उसके बाद इसको उसके 10 दिन बाद इसको यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ कर दिया गया। दोस्तों द लायन किंग मूवी के अगर हम बजट की बात करें तो इसका जो बजट है वो काफ़ी तगड़ा है। इस फिल्म को 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बजट में बनाया गया था, लेकिन इसने जो है वो बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई की वो 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की थी। इतनी भारी मात्रा में कमाई की कि लोग इस फिल्म के दीवाने हो गए। उन्होंने कहा कि ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है और एक ऐसा शाहकार है जिसे हर किसी को देखना चाहिए। तो जब 1994 में लायन किंग आई तो इसका एक रीमेक बनाना था उन्होंने। इसको सितंबर 2016 में कंफर्म किया गया फेवरियो के द्वारा और उन्होंने कहा कि डिज्नी के बहुत सारी फिल्में कामयाब हो रही हैं। तो उन्होंने फिर इसको डिज्नी ने हायर किया नेथनसन को कि उसकी स्क्रीन पर लिखें अक्टूबर 2016 में। उसके बाद उन्होंने थोड़े से रोल्स में चेंजिंग की और 2017 में जो है इसकी एक प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू कर दी गई ब्लू स्क्रीन स्टेज लॉस एंजल्स में। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टूल्स यूज़ किए और इसको जो है एक ग्रेटर इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से की गई और हैंस जिमर जो है उन्होंने पूरा इसमें धमाकेदार म्यूज़िक दिया। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो मूवी है इसके जो कमाल इसने दिखाया है कि ये एक्सपेंसिव यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म जो अब तक बनाई गई है उसकी लिस्ट में आई। और उसके अलावा इसने एक और इसका एक फैक्ट है कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव लाइव एक्शन रीमेक है डिज्नी के द्वारा। जब इसको चलाया गया तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, इसने बहुत बढ़िया कमाई की। आपको ये भी बता दूँ इसने बहुत सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए जिसमें इसने फ्रोजन को भी
पीछे छोड़ा, जो कि हाईएस्ट ग्रोसर एनिमेटेड फिल्म थी और यह बनी 7वीं हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म ऑल टाइम और दूसरी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म 2019 की, और ये बहुत बड़ी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म रही दोस्तों। आगे आपको बता दूं कि इस फिल्म में बहुत सारे नॉमिनेशन में भी अपना एक पार्ट दिया है, जिसमें 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 25 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, और इसको नॉमिनेट किया गया 73 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में और 92 एकेडमी अवार्ड में विजुअल्स के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद इसका एक प्रीक्वल था जिसका नाम था मुस्फासा द लायन किंग, जिसको अब कहा जा रहा है कि ये July 5, 2024 को रिलीज़ किया गया था और बैरी जेंकिंस को अटैच किया गया है ताकि वो उसको डायरेक्ट कर सके। तो चलिए इसकी अब स्टोरी के बारे में भी बात कर ही लेते हैं कि इसकी स्टोरी कैसी है। आपको बहुत हैरानी होगी जानकर इस फिल्म की स्टोरी। प्राइड लैंड्स ऑफ अफ्रीका में प्राइड रॉक से जानवरों की बादशाही पर शेरों का एक फख्र हुकूमत करता है। बादशाह मुफासा और मलका सरा भी अपने नौजायदा बेटे सिम्बा को बादशाही दुश्मन और मशीर रफकीकती मेंडल के ज़रिए जमा करवाने वाले जानवरों को पेश करते हैं। मुफासा सिम्बा को प्राइड लैंडर्स दिखाता है और इसे बादशाही की जिम्मेदारियों और हल्के हयात की वजाहत करता है जो तमाम जानदारों को जोड़ता है। मुफासा को उसका छोटा भाई शिकार तख्त का लालच करता है। मुफासा का उसके बाद होता यह है कि वो साजिशें करना शुरू कर देता है ताकि वो बादशाह बन जाए। एक दिन सिम्बा और इसके सबसे अच्छे दोस्त नाला ने हाथियों के कब्रिस्तान की तलाश की, जहां इनका पीछा करने वाले दागदार एहनाओं के कबीले ने इनका पीछा किया, जिसकी क़यादत बेरहम शेंजी करते थे। मुफासा ने इस वाक्य के बारे में अपने मेजड़ों में हॉर्नबिल जाज़ों से सुना और बच्चों को बचाया। अगर जैसिबा से इसकी नाफरमानी करने और अपने आप को नाला को ख़तरे में डालने पर नाराज़ है, मुफासा इसे माफ़ कर देता है और बताता है कि माजी के अजीम बादशाह रात के आसमान से इनकी निगरानी करते हैं, जहां से वो एक दिन सिम्बा पर नज़र रखेगा। बाद में इस कार जिसने इस सारी चीज़ की मनसूबाबंदी की थी हिन्नास का दौरा करता है और इन्हें कायल करता है कि वो प्राइड लैंड्स में शिकार के हकूक के बदले मुफासा का तख्ता उलटने में इसकी मदद करें। शिकार अपने भाई और भतीजे के लिए एक जाल बिछाता है, सिम्बा को घाटी में ले जाते हैं और हाइना को जंगली जानवरों के एक बड़े रेवड़ को भगड़ में डालने पर मजबूर करता है, जो इसे रोंद देता है। वो मुफासा को सिम्बा के ख़तरे से आगाह करता है ये जानते हुए कि इसे बचाने के लिए भागेगा। मुफासा सिम्बा को बचाता है लेकिन घाटी के किनारे से ख़तरनाक तौर पर लटक जाता है। इस कार ने मुफासा की मदद करने से
इनकार कर दिया, बजाय इसके कि इसे मौत के मुंह में भेज दिया। इसके बाद वो सिम्बा को ये सोचने पर मजबूर करता है कि इसे कि ये सानहा इसकी गलती थी, और इसे कहता है कि प्राइड लैंडर्स छोड़ दो और कभी वापस ना जाओ। वो हया को ख़त्म हुक्म देता है कि इसे मार डाले, लेकिन सिम्बा फरार हो जाता है। स्कार फ़ख्र को बताता है कि भगदड़ में ने मुफासा और सिम्बा को हलाक कर दिया और नए बादशाह के तौर पर आगे बढ़ते हुए हाइना को प्राइड लैंडर्स में रहने की इजाज़त दी, जो कि उसके नज़दीक बहुत बड़ी बात थी। आगे दोस्तों जो होता है कि ये जो है बहुत ही लंबी चलती है इसकी स्टोरी, और कुछ लोगों बल्कि ज़्यादातर लोगों को इसमें बहुत पसंद होता है कि उन्होंने ऐसी स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से सुनी, और ये फिल्म भी उस पर ही तकरीबन आधारित है। आगे आपको बता दो दोस्तों के अपने दोस्तों की मदद से सिम्बा प्राइड रॉक में हैना के पास से गुजरता है और उसका रुका सम्मान करता है जो शराबी से लड़ने वाला था। स्कार ने सिम्बा को मुफासा की मौत बहुत बेस के किरदार पर ताला दिया और इसे चट्टान के किनारे तक पहुंचा दिया, जहां इसने इंकशाफ किया कि इसने मुफासा को कत्ल किया है। गुस्से में सिम्बा बाकी फ़ख्र को सच बताता है। स्कार ने अपना दिफा करने की कोशिश की, लेकिन मुफासा के आखिरी लम्हात के बारे में इसका इल्म पहले ये दावा करने के बावजूद कि वो घाटी में बहुत देर से पहुंचा, मुफासा की मौत में इसके किरदार को बेनकाब करता है। टिमन पुम्मा जाजू रफीकी और शेरनी हिनास को रोकते हैं, जबकि स्कार फरार होने की कोशिश करते हुए प्राइड रॉक की चोटी के करीब एक किनारे पर टकरा जाता है। ताग रहम की भीख मांगता है और अपने जराइम का इल्ज़ाम हाइना पर उलट डालने की कोशिश करता है। सिम्बा अपनी जान बचाता है, लेकिन प्राइड लैंडर्स को हमेशा के लिए छोड़ने का हुक्म देता है, जो कि बहुत ही गंभीर बात होती है। उसे कहता है कि तुम इसे छोड़ दो। और दोस्तों आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मूवी द लायन किंग जो है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टोरी वाली मूवी है। बहुत सारे लोगों ने इसको देखा हुआ है। इस मूवी की फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसके ज़्यादातर फ़ैन जो है वो इंडिया में नज़र आने को देखते हैं, लेकिन फिर भी ये हालांकि एक इंग्लिश मूवी है, लोग इसे बहुत ज़्यादा अपने पसंद करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम द लायन किंग मूवी इसका रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों ये डिज्नी की बहुत ही एक ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि काफ़ी कामयाब भी रही है। द लायन किंग एक 2016 की अमरीकी म्यूज़िकल ड्रामा फिल्म है, और इसे डायरेक्ट और को प्रोड्यूस किया है जॉन फेवेरिया ने। और आगे बात करें दोस्तों द लायन किंग को
का स्क्रीन प्ले किया है जेफ नेथनसन, और ये आधारित है डिज्नी की लायन किंग। और आगे बता दूं, इसको प्रोड्यूस करने में हाथ है जॉन फेवरियो, जेफरी सिल्वर, कैरन गिलक्रिस्ट का। और अगर हम दोस्तों स्टीयरिंग की बात करें तो लायन किंग की स्टीयरिंग में आते हैं डोनाल्ड ग्लोवर, सेथ रॉगन, चिविटल इजियोफोर, एल्फ्रे वोडॉर्ड, बिली आइकनर, जॉन कानी, जॉन ओलिवर, बियोनिंस, नोवेल्स कार्टर, और आखिर में जेम्स अर्ल जॉनस। इस मूवी द लायन किंग की सिनेमाटोग्राफी की है कालेब डेस्टचैनल ने, और इसका एडिट किया है मार्क लीवोल्सी और एडम गेर्स्टल ने। म्यूज़िक इसका हैंस जिमर ने दिया है, और प्रोडक्शन कंपनी की बात करें दोस्तों तो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, फेयरव्यू एंटरटेनमेंट, इन दोनों ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है। और अगर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़, मोशन पिक्चर्स, इन दोनों का नाम आता है। और इसको जुलाई 9, 2019 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया, उसके बाद इसको उसके 10 दिन बाद इसको यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ कर दिया गया। दोस्तों द लायन किंग मूवी के अगर हम बजट की बात करें तो इसका जो बजट है वो काफ़ी तगड़ा है। इस फिल्म को 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बजट में बनाया गया था, लेकिन इसने जो है वो बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई की वो 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की थी। इतनी भारी मात्रा में कमाई की कि लोग इस फिल्म के दीवाने हो गए। उन्होंने कहा कि ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है और एक ऐसा शाहकार है जिसे हर किसी को देखना चाहिए। तो जब 1994 में लायन किंग आई तो इसका एक रीमेक बनाना था उन्होंने। इसको सितंबर 2016 में कन्फर्म किया गया फेवरियो के द्वारा, और उन्होंने कहा कि डिज्नी के बहुत सारी फिल्में कामयाब हो रही हैं। तो उन्होंने फिर इसको डिज्नी ने हायर किया नेथनसन को कि उसकी स्क्रीन पर लिखें अक्टूबर 2016 में। उसके बाद उन्होंने थोड़े से रोल्स में चेंजिंग की, और 2017 में जो है इसकी एक प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू कर दी गई ब्लू स्क्रीन स्टेज लॉस एंजलिस में, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टूल्स यूज़ किए, और इसको जो है एक ग्रेटर इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से की गई, और हैंस जिमर जो है उन्होंने पूरा इसमें धमाकेदार म्यूज़िक दिया। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो मूवी है इसके जो कमाल इसने दिखाया है कि ये एक्सपेंसिव यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म जो अब तक बनाई गई है वो उसकी लिस्ट में आई। और उसके अलावा इसने एक और इसका एक फैक्ट है कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव लाइव एक्शन रीमेक है डिज्नी के द्वारा। जब इसको चलाया गया तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, इसने बहुत बढ़िया कमाई की। आपको ये भी बता दूँ इसने बहुत सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें इसने फ्रोजन को भी पीछे छोड़ा जो कि हाईएस्ट ग्रोसर एनिमेटेड फिल्म थी, और ये बनी 7वीं हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म ऑल टाइम और दूसरी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म 2019 की, और ये बहुत बड़ी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म रही दोस्तों। आगे आपको बता दूं कि इस फिल्म में बहुत सारे नॉमिनेशन में भी अपना एक पार्ट दिया है, जिसमें 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, 25 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, और इसको नॉमिनेट किया गया 73 ब्रिटिश
एकेडमी फिल्म अवार्ड में और 92 एकेडमी अवार्ड में विजुअल्स के लिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद इसका एक प्रीक्वल था जिसका नाम था मुस्फासा द लायन किंग, जिसको अब कहा जा रहा है कि ये July 5, 2024 को रिलीज़ किया गया था और बैरी जेंकिंस को अटैच किया गया है ताकि वो उसको डायरेक्ट कर सके। तो चलिए इसकी अब स्टोरी के बारे में भी बात कर ही लेते हैं कि इसकी स्टोरी कैसी है। आपको बहुत हैरानी होगी जानकर इस फिल्म की स्टोरी। प्राइड लैंड्स ऑफ अफ्रीका में प्राइड रॉक से जानवरों की बादशाही पर शेरों का एक फख्र हुकूमत करता है। बादशाह मुफासा और मलका सराबी अपने नौजायदा बेटे सिम्बा को बादशाही दुश्मन और मशीर रफकीकती मेंडल के ज़रिए जमा करवाने वाले जानवरों को पेश करते हैं। मुफासा सिम्बा को प्राइड लैंडर्स दिखाता है और इसे बादशाही की जिम्मेदारियों और हल्क हयात की वजाहत करता है जो तमाम जानदारों को जोड़ता है। मुफासा को उसका छोटा भाई शिकार तख्त का लालच करता है। मुफासा का उसके बाद होता यह है कि वो साजिशें करना शुरू कर देता है ताकि वो बादशाह बन जाए। एक दिन सिम्बा और इसके सबसे अच्छे दोस्त नाला ने हाथियों के कब्रिस्तान की तलाश की जहां इनका पीछा करने वाले दागदार एहनाव के कबीले ने इनका पीछा किया जिसकी क़यादत बेरहम शेंजी करते थे। मुफासा ने इस वाक्य के बारे में अपने मेजड़ों में हॉर्नबिल जाजू से सुना और बच्चों को बचाया। अगर जैसिबा से इसकी नाफरमानी करने और अपने आप को नाला को ख़तरे में डालने पर नाराज़ है, मुफासा इसे माफ़ कर देता है और बताता है कि माजी के अजीम बादशाह रात के आसमान से इनकी निगरानी करते हैं जहां से वो एक दिन सिम्बा पर नज़र रखेगा। बाद में इस कार जिसने था इस सारी चीज़ की मनसूबाबंदी की थी हिन्नास का दौरा करता है और इन्हें कायल करता है कि वो प्राइड लैंड्स में शिकार के हकूक के बदले मुफासा का तख्ता उलटने में इसकी मदद करें। शिकार अपने भाई और भतीजे के लिए एक जाल बिछाता है। सिम्बा को घाटी में ले जाते हैं और हाइना को जंगली जानवरों के एक बड़े रेवड़ को भगड़ में डालने पर मजबूर करता है जो इसे रोंद देता है। वो मुफासा को सिम्बा के ख़तरे से आगाह करता है ये जानते हुए कि इसे बचाने के लिए भागेगा। मुफासा सिम्बा को बचाता है लेकिन घाटी के किनारे से ख़तरनाक तौर पर लटक जाता है। इस कार ने मुफासा की मदद करने से इनकार कर दिया बजाय इसके कि इसे मौत के मुंह में भेज दिया। इसके बाद वो सिम्बा को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सानहा इसकी गलती थी और इसे कहता है कि प्राइड लैंडर्स छोड़ दो और कभी वापस ना जाओ। वो हया को ख़त्म हुक्म देता है कि इसे मार डाले लेकिन सिम्बा फरार हो जाता है।
स्कार फ़ख्र को बताता है कि भगदड़ में ने मुफासा और सिम्बा को हलाक कर दिया और नए बादशाह के तौर पर आगे बढ़ते हुए हाइना को प्राइड लैंडर्स में रहने की इजाज़त दी, जो कि उसके नज़दीक बहुत बड़ी बात थी। आगे दोस्तों जो होता है कि ये जो है बहुत ही लंबी चलती है इसकी स्टोरी, और कुछ लोगों बल्कि ज़्यादातर लोगों को इसमें बहुत पसंद होता है कि उन्होंने ऐसी स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से सुनी, और ये फिल्म भी उस पर ही तकरीबन आधारित है। आगे आपको बता दो दोस्तों के अपने दोस्तों की मदद से सिम्बा प्राइड रॉक में हैना के पास से गुजरता है और उसका रुका सम्मान करता है जो शराबी से लड़ने वाला था। स्कार ने सिम्बा को मुफासा की मौत बहुत में इसके किरदार पर ताना दिया और इसे चट्टान के किनारे तक पहुंचा दिया, जहां इसने इंकशाफ किया कि इसने मुफासा को कत्ल किया है। गुस्से में सिम्बा बाकी फ़ख्र को सच बताता है। स्कार ने अपना दिफा करने की कोशिश की, लेकिन मुफासा के आखिरी लम्हात के बारे में इसका इल्म पहले ये दावा करने के बावजूद कि वो घाटी में बहुत देर से पहुंचा, मुफासा की मौत में इसके किरदार को बेनकाब करता है। टिम्मन पुम्मा जाजू रफीकी और शेरनी हिनास को रोकते हैं जबकि स्कार फरार होने की कोशिश करते हुए प्राइड रॉक की चोटी के करीब एक किनारे पर टकरा जाता है। दाग रहम की भीख मांगता है और अपने जराइम का इल्ज़ाम हाइना पर उलट डालने की कोशिश करता है। सिम्बा अपनी जान बचाता है, लेकिन प्राइड लैंडर्स को हमेशा के लिए छोड़ने का हुक्म देता है, जो कि बहुत ही गंभीर बात होती है। उसे कहता है कि तुम इसे छोड़ दो। और दोस्तों आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मूवी द लायन किंग जो है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टोरी वाली मूवी है। बहुत सारे लोगों ने इसको देखा हुआ है। इस मूवी की फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसके ज़्यादातर फ़ैन जो है वो इंडिया में नज़र आने को देखते हैं, लेकिन फिर भी ये हालांकि एक इंग्लिश मूवी है, लोग इसे बहुत ज़्यादा अपने पसंद करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम द लायन किंग मूवी इसका रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों ये डिज्नी की बहुत ही एक ज़बरदस्त फिल्म है जो कि काफ़ी कामयाब भी रही है। द लायन किंग एक 2016 की अमरीकी म्यूज़िकल ड्रामा फिल्म है और इसे डायरेक्ट और को प्रोड्यूस किया है जॉन फेवेरिया ने। और आगे बात करें दोस्तों, द लायन किंग को का स्क्रीन प्ले किया है जेफ नेथनसन और ये आधारित है डिज्नी की लायन किंग। और आगे बता दूं, इसको प्रोड्यूस करने में हाथ है जॉन फेवरियू, जेफरी सिल्वर, कैरन गिलक्रिस्ट का। और अगर हम दोस्तों स्टेयरिंग की बात करें तो लायन किंग की स्टेयरिंग में आते हैं डोनाल्ड ग्लोवर, सेथ रॉगन, चिविटल इजियोफोर, एल्फ्रे
वुडार्ड, बिली आइकनर, जॉन कानी, जॉन ओलिवर, बियोनेंस, नोवेल्स, कार्टर और आखिर में जेम्स अर्ल जॉनस। इस मूवी द लायन किंग की सिनेमाटोग्राफी की है कालेब डेस्टचैनल ने और इसका एडिट किया है मार्क लीवोल्सी और एडम गेर्स्टल ने। म्यूजिक इसका हैंस जिमर ने दिया है और प्रोडक्शन कंपनी की बात करें दोस्तों तो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, फेयरव्यू एंटरटेनमेंट, इन दोनों ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है। और अगर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़, मोशन पिक्चर्स, इन दोनों का नाम आता है। और इसको जुलाई 9, 2019 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया, उसके बाद इसको उसके 10 दिन बाद इसको यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ कर दिया गया। दोस्तों द लायन किंग मूवी के अगर हम बजट की बात करें तो इसका जो बजट है वो काफ़ी तगड़ा है। इस फिल्म को 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बजट में बनाया गया था, लेकिन इसने जो है वो बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई की वो 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की थी। इतनी भारी मात्रा में कमाई की कि लोग इस फिल्म के दीवाने हो गए। उन्होंने कहा कि ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है और एक ऐसा शाहकार है जिसे हर किसी को देखना चाहिए। तो जब 1994 में लायन किंग आई तो इसका एक रीमेक बनाना था उन्होंने। इसको सितंबर 2016 में कंफर्म किया गया फेवरियो के द्वारा और उन्होंने कहा कि डिज्नी के बहुत सारी फिल्में कामयाब हो रही हैं। तो उन्होंने फिर इसको डिज्नी ने हायर किया नथनसन को कि उसकी स्क्रीन पर लिखें अक्टूबर 2016 में। उसके बाद उन्होंने थोड़े से रोल्स में चेंजिंग की और 2017 में जो है इसकी एक प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू कर दी गई ब्लू स्क्रीन स्टेज लॉस एंजल्स में। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टूल्स यूज़ किए और इसको जो है एक ग्रेटर इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से की गई और हैंस जिमर जो है उन्होंने पूरा इसमें धमाकेदार म्यूज़िक दिया। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो मूवी है इसके जो कमाल इसने दिखाया है कि ये एक्सपेंसिव यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म जो अब तक बनाई गई है वो उसकी लिस्ट में आई। और उसके अलावा इसने एक और इसका एक फैक्ट है कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव लाइव एक्शन रीमेक है डिज्नी के द्वारा। जब इसको चलाया गया तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, इसने बहुत बढ़िया कमाई की। आपको ये भी बता दूँ इसने बहुत सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए जिसमें इसने फ्रोजन को भी पीछे छोड़ा जो कि हाईएस्ट ग्रोसर एनिमेटेड फिल्म थी और यह बनी 7वीं हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म ऑल टाइम और दूसरी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म 2019 की और ये बहुत बड़ी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म रही दोस्तों। आगे आपको बता दूं कि इस फिल्म में बहुत सारे नॉमिनेशन में भी अपना एक पार्ट दिया है जिसमें 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, 25 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और इसको नॉमिनेट किया गया 73 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में और 92 एकेडमी अवार्ड में विजुअल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद इसका एक प्रीक्वल था जिसका नाम था मुस्फासा द लायन किंग जिसको कहा जा रहा है कि ये July 5, 2024 को रिलीज़ किया गया था और बैरी जेंकिंस को अटैच किया गया है ताकि वो उसको डायरेक्ट कर सके।
तो चलिए इसकी अब स्टोरी के बारे में भी बात कर ही लेते हैं कि इसकी स्टोरी कैसी है। आपको बहुत हैरानी होगी जानकर इस फिल्म की स्टोरी। प्राइड लैंड्स ऑफ अफ्रीका में प्राइड रॉक से जानवरों की बादशाही पर शेरों का एक फख्र हुकूमत करता है। बादशाह मुफासा और मलका सरा भी अपने नौजायदा बेटे सिम्बा को बादशाही दुश्मन और मशीर रफकीकती मेंडल के ज़रिए जमा करवाने वाले जानवरों को पेश करते हैं। मुफासा सिम्बा को प्राइड लैंडर्स दिखाता है और इसे बादशाही की जिम्मेदारियों और हल्के हयात की वजाहत करता है जो तमाम जानदारों को जोड़ता है। मुफासा को उसका छोटा भाई शिकार तख्त का लालच करता है। मुफासा का उसके बाद होता यह है कि वो साजिशें करना शुरू कर देता है ताकि वो बादशाह बन जाए। एक दिन सिम्बा और इसके सबसे अच्छे दोस्त नाला ने हाथियों के कब्रिस्तान की तलाश की जहाँ इनका पीछा करने वाले दागदार एहनाओं के कबीले ने इनका पीछा किया जिसकी क़यादत बेरहम शेंजी करते थे। मुफासा ने इस वाक्य के बारे में अपने मेजड़ों में हॉर्नबिल जाजों से सुना और बच्चों को बचाया। अगर जैसिबा से इसकी नाफरमानी करने और अपने आप को नाला को ख़तरे में डालने पर नाराज़ है, मुफासा इसे माफ़ कर देता है और बताता है कि माजी के अजीम बादशाह रात के आसमान से इनकी निगरानी करते हैं जहाँ से वो एक दिन सिम्बा पर नज़र रखेगा। बाद में इस कार जिसने था इस सारी चीज़ की मनसूबाबंदी की थी हिन्नास का दौरा करता है और इन्हें कायल करता है कि वो प्राइड लैंड्स में शिकार के हकूक के बदले मुफासा का तख्ता उलटने में इसकी मदद करें। शिकार अपने भाई और भतीजे के लिए एक जाल बिछाता है। सिम्बा को घाटी में ले जाते हैं और हाइना को जंगली जानवरों के एक बड़े रेवड़ को भगड़ में डालने पर मजबूर करता है जो इसे रोंद देता है। वो मुफासा को सिम्बा के ख़तरे से आगाह करता है ये जानते हुए कि इसे बचाने के लिए भागेगा। मुफासा सिम्बा को बचाता है लेकिन घाटी के किनारे से ख़तरनाक तौर पर लटक जाता है। इस कार ने मुफासा की मदद करने से इनकार कर दिया बजाय इसके कि इसे मौत के मुंह में भेज दिया। इसके बाद वो सिम्बा को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सानहा इसकी गलती थी और इसे कहता है कि प्राइड लैंडर्स छोड़ दो और कभी वापस ना जाओ। वो हया को ख़त्म हुक्म देता है कि इसे मार डाले लेकिन सिम्बा फरार हो जाता है। इस कार फ़ख्र को बताता है कि भगदड़ में ने मुफासा और सिम्बा को हलाक कर दिया और नए बादशाह के तौर पर आगे बढ़ते हुए हाइना को प्राइड लैंडर्स में रहने की इजाज़त दी जो कि उसके नज़दीक बहुत बड़ी बात थी।
आगे दोस्तों जो होता है कि ये जो है बहुत ही लंबी चलती है इसकी स्टोरी, और कुछ लोगों बल्कि ज़्यादातर लोगों को इसमें बहुत पसंद होता है कि उन्होंने ऐसी स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से सुनी। और ये फिल्म भी उस पर ही तकरीबन आधारित है। आगे आपको बता दो दोस्तों के अपने दोस्तों की मदद से सिम्बा प्राइड रॉक में हैना के पास से गुजरता है और उसका रुका सम्मान करता है जो शराबी से लड़ने वाला था। स्कार ने सिम्बा को मुफासा की मौत बहुत बेस के किरदार पर ताना दिया और इसे चट्टान के किनारे तक पहुंचा दिया, जहां इसने इंकशाफ किया कि इसने मुफासा को कत्ल किया है। गुस्से में सिम्बा बाकी फ़ख्र को सच बताता है। स्कार ने अपना दिफा करने की कोशिश की लेकिन मुफासा के आखिरी लम्हात के बारे में इसका इल्म पहले ये दावा करने के बावजूद कि वो घाटी में बहुत देर से पहुंचा, मुफासा की मौत में इसके किरदार को बेनकाब करता है। टिमन पुम्मा जाजू रफीकी और शेरनी हिनास को रोकते हैं जबकि स्कार फरार होने की कोशिश करते हुए प्राइड रॉक की चोटी के करीब एक किनारे पर टकरा जाता है। ताग रहम की भीख मांगता है और अपने जराइम का इल्ज़ाम हाइना पर उलट डालने की कोशिश करता है। सिम्बा अपनी जान बचाता है लेकिन प्राइड लैंडर्स को हमेशा के लिए छोड़ने का हुक्म देता है, जो कि बहुत ही गंभीर बात होती है। उसे कहता है कि तुम इसे छोड़ दो। और दोस्तों आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मूवी द लायन किंग जो है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टोरी वाली मूवी है। बहुत सारे लोगों ने इसको देखा हुआ है। इस मूवी की फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसके ज़्यादातर फ़ैन जो है वो इंडिया में नज़र आने को देखते हैं, लेकिन फिर भी ये हालांकि एक इंग्लिश मूवी है लोग इसे बहुत ज़्यादा अपने पसंद करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम द लायन किंग मूवी इसका रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों ये डिज्नी की बहुत ही एक ज़बरदस्त फिल्म है जो कि काफ़ी कामयाब भी रही है। द लायन किंग एक 2016 की अमरीकी म्यूज़िकल ड्रामा फिल्म है और इसे डायरेक्ट और को प्रोड्यूस किया है जॉन फेवेरिया ने। और आगे बात करें दोस्तों, द लायन किंग को का स्क्रीन प्ले किया है जेफ नेथनसन और ये आधारित है डिज्नी की लायन किंग। और आगे बता दूं, इसको प्रोड्यूस करने में हाथ है जॉन फेवरियू, जेफरी सिल्वर, कैरन गिलक्रिस्ट का। और अगर हम दोस्तों स्टेयरिंग की बात करें तो लायन किंग की स्टेयरिंग में आते हैं डोनाल्ड ग्लोवर, सेथ रॉगन, चिविटल इजियोफोर, एल्फ्रे वुडॉर्ड, बिली आइकनर, जॉन कानी, जॉन ओलिवर, बियोनिंस नोवेल्स कार्टर और आखिर में जेम्स अर्ल जॉनस। इस मूवी द लायन किंग की सिनेमाटोग्राफी की है कालेब डेस्ट चैनल ने और इसका एडिट किया है मार्क लिवोल्सी और एडम गेर्स्टल ने। म्यूज़िक इसका हैंस जिमर ने दिया है और
प्रोडक्शन कंपनी की बात करें दोस्तों तो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, फेयरव्यू एंटरटेनमेंट, इन दोनों ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है। और अगर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़, मोशन पिक्चर्स, इन दोनों का नाम आता है। और इसको जुलाई 9, 2019 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया। उसके बाद इसको उसके 10 दिन बाद इसको यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ कर दिया गया। दोस्तों द लायन किंग मूवी के अगर हम बजट की बात करें तो इसका जो बजट है वो काफ़ी तगड़ा है। इस फिल्म को 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बजट में बनाया गया था, लेकिन इसने जो है वो बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई की वो 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की थी। इतनी भारी मात्रा में कमाई की कि लोग इस फिल्म के दीवाने हो गए। उन्होंने कहा कि ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है और एक ऐसा शाहकार है जिसे हर किसी को देखना चाहिए। तो जब 1994 में लायन किंग आई तो इसका एक रीमेक बनाना था उन्होंने। इसको सितंबर 2016 में कंफर्म किया गया फेवरियो के द्वारा, और उन्होंने कहा कि डिज्नी के बहुत सारी फिल्में कामयाब हो रही हैं। तो उन्होंने फिर इसको डिज्नी ने हायर किया नथनसन को कि उसकी स्क्रीन पर लिखें अक्टूबर 2016 में। उसके बाद उन्होंने थोड़े से रोल्स में चेंजिंग की और 2017 में जो है इसकी एक प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू कर दी गई ब्लू स्क्रीन स्टेज लॉस एंजल्स में। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टूल्स यूज़ किए और इसको जो है एक ग्रेटर इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से की गई। और हैंस ज़िमर जो है उन्होंने पूरा इसमें धमाकेदार म्यूज़िक दिया। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो मूवी है इसके जो कमाल इसने दिखाया है कि ये एक्सपेंसिव यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म जो अब तक बनाई गई है वो उसकी लिस्ट में आई। और उसके अलावा इसने एक और इसका एक फैक्ट है कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव लाइव एक्शन रीमेक है डिज्नी के द्वारा। जब इसको चलाया गया तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, इसने बहुत बढ़िया कमाई की। आपको ये भी बता दूँ इसने बहुत सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें इसने फ्रोजन को भी पीछे छोड़ा जो कि हाईएस्ट ग्रोसर एनिमेटेड फिल्म थी, और यह बनी 7वीं हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म ऑल टाइम और दूसरी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म 2019 की, और ये बहुत बड़ी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म रही दोस्तों। आगे आपको बता दूं कि इस फिल्म में बहुत सारे नॉमिनेशन में भी अपना एक पार्ट दिया है, जिसमें 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, 25 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, और इसको नॉमिनेट किया गया 73 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में और 92 एकेडमी अवार्ड में विजुअल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद इसका एक प्रीक्वल था जिसका नाम था मुस्फासा द लायन किंग, जिसको अब कहा जा रहा है कि ये July 5, 2024 को रिलीज़ किया गया था और बैरी जेंकिंस को अटैच किया गया है ताकि वो उसको डायरेक्ट कर सके। तो चलिए इसकी अब स्टोरी के बारे में भी बात कर ही लेते हैं कि इसकी स्टोरी कैसी है। आपको बहुत हैरानी होगी जानकर इस फिल्म की स्टोरी। प्राइड लैंड्स ऑफ अफ्रीका में
प्राइड रॉक से जानवरों की बादशाही पर शेरों का एक फख्र हुकूमत करता है। बादशाह मुफासा और मलका सराबी अपने नौजायदा बेटे सिम्बा को बादशाही दुश्मन और मशीर रफकीकती मेंडल के ज़रिए जमा करवाने वाले जानवरों को पेश करते हैं। मुफासा सिम्बा को प्राइड लैंडर्स दिखाता है और इसे बादशाही की जिम्मेदारियों और हल्के हयात की वजाहत करता है जो तमाम जानदारों को जोड़ता है। मुफासा को उसका छोटा भाई शिकार तख्त का लालच करता है। मुफासा का उसके बाद होता यह है कि वो साजिशें करना शुरू कर देता है ताकि वो बादशाह बन जाए। एक दिन सिम्बा और इसके सबसे अच्छे दोस्त नाला ने हाथियों के कब्रिस्तान की तलाश की जहाँ इनका पीछा करने वाले दागदार एहनाओं के कबीले ने इनका पीछा किया जिसकी क़यादत बेरहम शेंजी करते थे। मुफासा ने इस वाक्य के बारे में अपने मेजड़ों में हॉर्नबिल जाजों से सुना और बच्चों को बचाया। अगर जैसिबा से इसकी नाफरमानी करने और अपने आप को नाला को ख़तरे में डालने पर नाराज़ है, मुफासा इसे माफ़ कर देता है और बताता है कि माजी के अजीम बादशाह रात के आसमान से इनकी निगरानी करते हैं जहाँ से वो एक दिन सिम्बा पर नज़र रखेगा। बाद में इस कार जिसने इस सारी चीज़ की मनसूबाबंदी की थी हिन्नास का दौरा करता है और इन्हें कायल करता है कि वो प्राइड लैंड्स में शिकार के हकूक के बदले मुफासा का तख्ता उलटने में इसकी मदद करें। शिकार अपने भाई और भतीजे के लिए एक जाल बिछाता है। सिम्बा को घाटी में ले जाते हैं और हाइना को जंगली जानवरों के एक बड़े रेवड़ को भगड़ में डालने पर मजबूर करता है जो इसे रोंद देता है। वो मुफासा को सिम्बा के ख़तरे से आगाह करता है ये जानते हुए कि इसे बचाने के लिए भागेगा। मुफासा सिम्बा को बचाता है लेकिन घाटी के किनारे से ख़तरनाक तौर पर लटक जाता है। इस कार ने मुफासा की मदद करने से इनकार कर दिया बजाय इसके कि इसे मौत के मुंह में भेज दिया। इसके बाद वो सिम्बा को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सानहा इसकी गलती थी और इसे कहता है कि प्राइड लैंडर्स छोड़ दो और कभी वापस ना जाओ। वो हया को ख़त्म हुक्म देता है कि इसे मार डाले लेकिन सिम्बा फरार हो जाता है। इस कार फ़ख्र को बताता है कि भगदड़ में ने मुफासा और सिम्बा को हलाक कर दिया और नए बादशाह के तौर पर आगे बढ़ते हुए हाइना को प्राइड लैंडर्स में रहने की इजाज़त दी जो कि उसके नज़दीक बहुत बड़ी बात थी। आगे दोस्तों जो होता है कि ये जो है बहुत ही लंबी चलती है इसकी स्टोरी और कुछ लोगों बल्कि ज़्यादातर लोगों को इसमें बहुत पसंद होता है कि उन्होंने ऐसी स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से सुनी।
और ये फिल्म भी उस पर ही तकरीबन आधारित है। आगे आपको बता दो दोस्तों के अपने दोस्तों की मदद से सिम्बा प्राइड रॉक में हैना के पास से गुजरता है और उसका रुका सम्मान करता है जो शराबी से लड़ने वाला था। स्कार ने सिम्बा को मुफासा की मौत बहुत बेस के किरदार पर ताना दिया और इसे चट्टान के किनारे तक पहुंचा दिया जहां इसने इंकशाफ किया कि इसने मुफासा को कत्ल किया है। गुस्से में सिम्बा बाकी फ़ख्र को सच बताता है। स्कार ने अपना दिफा करने की कोशिश की लेकिन मुफासा के आखिरी लम्हात के बारे में इसका इल्म पहले ये दावा करने के बावजूद कि वो घाटी में बहुत देर से पहुंचा, मुफासा की मौत में इसके किरदार को बेनकाब करता है। टिमन पुम्मा जाजू रफीकी और शेरनी हिनास को रोकते हैं जबकि स्कार फरार होने की कोशिश करते हुए प्राइड रॉक की चोटी के करीब एक किनारे पर टकरा जाता है। ताग रहम की भीख मांगता है और अपने जराइम का इल्ज़ाम हाइना पर उलट डालने की कोशिश करता है। सिम्बा अपनी जान बचाता है लेकिन प्राइड लैंडर्स को हमेशा के लिए छोड़ने का हुक्म देता है जो कि बहुत ही गंभीर बात होती है। उसे कहता है कि तुम इसे छोड़ दो। और दोस्तों आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मूवी द लायन किंग जो है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टोरी वाली मूवी है। बहुत सारे लोगों ने इसको देखा हुआ है। इस मूवी की फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसके ज़्यादातर फ़ैन जो है वो इंडिया में नज़र आने को देखते हैं लेकिन फिर भी ये हालांकि एक इंग्लिश मूवी है लोग इसे बहुत ज़्यादा अपने पसंद करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम द लायन किंग मूवी इसका रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों ये डिज्नी की बहुत ही एक ज़बरदस्त फिल्म है जो कि काफ़ी कामयाब भी रही है। द लायन किंग एक 2016 की अमरीकी म्यूज़िकल ड्रामा फिल्म है और इसे डायरेक्ट और को प्रोड्यूस किया है जॉन फेवेरिया ने। और आगे बात करें दोस्तों द लायन किंग को का स्क्रीन प्ले किया है जेफ नेथनसन और ये आधारित है डिज्नी की लायन किंग। और आगे बता दूं इसको प्रोड्यूस करने में हाथ है जॉन फेवरियू, जेफरी सिल्वर, कैरन गिलक्रिस्ट का। और अगर हम दोस्तों स्टेयरिंग की बात करें तो लायन किंग की स्टेयरिंग में आते हैं डोनाल्ड ग्लोवर, सेथ रॉगन, चिविटल इजियोफोर, एल्फ्रे वुडॉर्ड, बिली आइकनर, जॉन कानी, जॉन ओलिवर, बियोनिंस नोवेल्स कार्टर और आखिर में जेम्स अर्ल जॉनस। इस मूवी द लायन किंग की सिनेमाटोग्राफी की है कालेब डेस्ट चैनल ने और इसका एडिट किया है मार्क लिवोल्सी और एडम गेर्स्टल ने। म्यूज़िक इसका हैंस जिमर ने दिया है और प्रोडक्शन कंपनी की बात करें दोस्तों तो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, फेयरव्यू एंटरटेनमेंट इन दोनों ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है। और अगर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़, मोशन पिक्चर्स इन दोनों का नाम आता है।
और इसको July 9, 2019 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया। उसके बाद इसको उसके 10 दिन बाद इसको यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ कर दिया गया। दोस्तों द लायन किंग मूवी के अगर हम बजट की बात करें तो इसका जो बजट है वो काफ़ी तगड़ा है। इस फिल्म को 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बजट में बनाया गया था, लेकिन इसने जो है वो बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई की वो 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की थी। इतनी भारी मात्रा में कमाई की कि लोग इस फिल्म के दीवाने हो गए। उन्होंने कहा कि ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है और एक ऐसा शाहकार है जिसे हर किसी को देखना चाहिए। तो जब 1994 में लायन किंग आई तो इसका एक रीमेक बनाना था उन्होंने। इसको सितंबर 2016 में कंफर्म किया गया फेवरियो के द्वारा, और उन्होंने कहा कि डिज्नी के बहुत सारी फिल्में कामयाब हो रही हैं, तो उन्होंने फिर इसको डिज्नी ने हायर किया नथनसन को कि उसकी स्क्रीन पर लिखें अक्टूबर 2016 में। उसके बाद उन्होंने थोड़े से रोल्स में चेंजिंग की और 2017 में जो है इसकी एक प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू कर दी गई ब्लू स्क्रीन स्टेज लॉस एंजल्स में, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टूल्स यूज़ किए और इसको जो है एक ग्रेटर इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से की गई, और हैंस ज़िमर जो है उन्होंने पूरा इसमें धमाकेदार म्यूज़िक दिया। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो मूवी है इसके जो कमाल इसने दिखाया है कि ये एक्सपेंसिव यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म जो अब तक बनाई गई है वो उसकी लिस्ट में आई। और उसके अलावा इसने एक और इसका एक फैक्ट है कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव लाइव एक्शन रीमेक है डिज्नी के द्वारा। जब इसको चलाया गया तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, इसने बहुत बढ़िया कमाई की। आपको ये भी बता दूँ इसने बहुत सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें इसने फ्रोजन को भी पीछे छोड़ा जो कि हाईएस्ट ग्रोसर एनिमेटेड फिल्म थी, और यह बनी 7वीं हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म ऑल टाइम और दूसरी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म 2019 की, और ये बहुत बड़ी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म रही दोस्तों। आगे आपको बता दूं कि इस फिल्म में बहुत सारे नॉमिनेशन में भी अपना एक पार्ट दिया है, जिसमें 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, 25 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, और इसको नॉमिनेट किया गया 73 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में और 92 एकेडमी अवार्ड में विजुअल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद इसका एक प्रीक्वल था जिसका नाम था मुस्फासा द लायन किंग, जिसको कहा जा रहा है कि ये July 5, 2024 को रिलीज़ किया गया था और बैरी जेंकिंस को अटैच किया गया है ताकि वो उसको डायरेक्ट कर सके। तो चलिए इसकी अब स्टोरी के बारे में भी बात कर ही लेते हैं कि इसकी स्टोरी कैसी है। आपको बहुत हैरानी होगी जानकर इस फिल्म की स्टोरी। प्राइड लैंड्स ऑफ अफ्रीका में प्राइड रॉक से जानवरों की बादशाही पर शेरों का एक फख्र हुकूमत करता है। बादशाह मुफासा और मलका सराबी अपने नौजायदा बेटे सिम्बा को बादशाही दुश्मन और मशीर रफकीकती मेंडल के ज़रिए जमा करवाने वाले जानवरों को पेश करते हैं। मुफासा सिम्बा को प्राइड लैंडर्स दिखाता है
और इसे बादशाही की जिम्मेदारियों और हल्के ख्याल की वजाहत करता है जो तमाम जानदारों को जोड़ता है। मुफासा को छोटा भाई, उसका छोटा भाई शिकार तख्त का लालच करता है। मुफासा का उसके बाद होता यह है कि वो साजिशें करना शुरू कर देता है ताकि वो बादशाह बन जाए। एक दिन सिम्बा और इसके सबसे अच्छे दोस्त नाला ने हाथियों के कब्रिस्तान की तलाश की जहाँ इनका पीछा करने वाले दागदार एहनाओं के कबीले ने इनका पीछा किया जिसकी क़यादत बेरहम शेंजी करते थे। मुफासा ने इस वाक्य के बारे में अपने मेजड़ों में हॉर्नबिल जाजों से सुना और बच्चों को बचाया। अगर जैसिबा से इसकी नाफरमानी करने और अपने आप को नाला को ख़तरे में डालने पर नाराज़ है, मुफासा इसे माफ़ कर देता है और बताता है कि माजी के अजीम बादशाह रात के आसमान से इनकी निगरानी करते हैं जहाँ से वो एक दिन सिम्बा पर नज़र रखेगा। बाद में इस कार जिसने इस सारी चीज़ की मनसूबाबंदी की थी हिन्नास का दौरा करता है और इन्हें कायल करता है कि वो प्राइड लैंड्स में शिकार के हकूक के बदले मुफासा का तख्ता उलटने में इसकी मदद करें। शिकार अपने भाई और भतीजे के लिए एक जाल बिछाता है। सिम्बा को घाटी में ले जाते हैं और हाइना को जंगली जानवरों के एक बड़े रेवड़ को भगड़ में डालने पर मजबूर करता है जो इसे रोंद देता है। वो मुफासा को सिम्बा के ख़तरे से आगाह करता है ये जानते हुए कि इसे बचाने के लिए भागेगा। मुफासा सिम्बा को बचाता है लेकिन घाटी के किनारे से ख़तरनाक तौर पर लटक जाता है। इस कार ने मुफासा की मदद करने से इनकार कर दिया बजाय इसके कि इसे मौत के मुंह में भेज दिया। इसके बाद वो सिम्बा को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सानहा इसकी गलती थी और इसे कहता है कि प्राइड लैंडर्स छोड़ दो और कभी वापस ना जाओ। वो हया को ख़त्म हुक्म देता है कि इसे मार डाले लेकिन सिम्बा फरार हो जाता है। इसकार फ़ख्र को बताता है कि भगदड़ में ने मुफासा और सिम्बा को हलाक कर दिया और नए बादशाह के तौर पर आगे बढ़ते हुए हाइना को प्राइड लैंडर्स में रहने की इजाज़त दी जो कि उसके नज़दीक बहुत बड़ी बात थी। आगे दोस्तों जो होता है कि ये जो है बहुत ही लंबी चलती है इसकी स्टोरी और कुछ लोगों बल्कि ज़्यादातर लोगों को इसमें बहुत पसंद होता है कि उन्होंने ऐसी स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से सुनी और ये फिल्म भी उस पर ही तकरीबन आधारित है। आगे आपको बता दो दोस्तों के अपने दोस्तों की मदद से सिम्बा प्राइड राग में हैना के पास से गुज़रता है और उसका रुका सम्मान करता है जो शराबी से लड़ने वाला था। इस कार ने सिम्बा को मुफासा की मौत
बहुत बेस के किरदार पर ताला दिया और इसे चट्टान के किनारे तक पहुंचा दिया, जहां इसने इंकशाफ किया कि इसने मुफासा को कत्ल किया है। गुस्से में सिम्बा बाकी फ़ख्र को सच बताता है। स्कार ने अपना दिफा करने की कोशिश की, लेकिन मुफासा के आखिरी लम्हात के बारे में इसका इल्म पहले ये दावा करने के बावजूद कि वो घाटी में बहुत देर से पहुंचा, मुफासा की मौत में इसके किरदार को बेनकाब करता है। टिम्मन पुम्मा जाजू रफीकी और शेरनी हिनास को रोकते हैं, जबकि स्कार फरार होने की कोशिश करते हुए प्राइड रॉक की चोटी के करीब एक किनारे पर टकरा जाता है। ताग रहम की भीख मांगता है और अपने जराइम का इल्ज़ाम हाइना पर उलट डालने की कोशिश करता है। सिम्बा अपनी जान बचाता है, लेकिन प्राइड लैंडर्स को हमेशा के लिए छोड़ने का हुक्म देता है, जो कि बहुत ही गंभीर बात होती है। उसे कहता है कि तुम इसे छोड़ दो। और दोस्तों, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मूवी द लायन किंग जो है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टोरी वाली मूवी है। बहुत सारे लोगों ने इसको देखा हुआ है। इस मूवी की फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसके ज़्यादातर फ़ैन जो है वो इंडिया में नज़र आने को देखते हैं, लेकिन फिर भी ये हालांकि एक इंग्लिश मूवी है, लोग इसे बहुत ज़्यादा अपने पसंद करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम द लायन किंग मूवी इसका रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, ये डिज्नी की बहुत ही एक ज़बरदस्त फिल्म है, जो कि काफ़ी कामयाब भी रही है। द लायन किंग एक 2016 की अमरीकी म्यूज़िकल ड्रामा फिल्म है और इसे डायरेक्ट और को प्रोड्यूस किया है जॉन फेवेरिया ने। और आगे बात करें दोस्तों, द लायन किंग को का स्क्रीन प्ले किया है जेफ नेथनसन और ये आधारित है डिज्नी की लायन किंग। और आगे बता दूं, इसको प्रोड्यूस करने में हाथ है जॉन फेवरियू, जेफरी सिल्वर, कैरन गिलक्रिस्ट का। और अगर हम दोस्तों स्टेयरिंग की बात करें तो लायन किंग की स्टेयरिंग में आते हैं डोनाल्ड ग्लोवर, सेथ रॉगन, चिविटल इजियोफोर, एल्फ्रे वुडॉर्ड, बिली आइकनर, जॉन कानी, जॉन ओलिवर, बियोनिंस नोवेल्स कार्टर और आखिर में जेम्स अर्ल जॉनस। इस मूवी द लायन किंग की सिनेमाटोग्राफी की है कालेब डेस्ट चैनल ने और इसका एडिट किया है मार्क लीवोल्सी और एडम गेर्स्टल ने। म्यूज़िक इसका हैंस जिमर ने दिया है और प्रोडक्शन कंपनी की बात करें दोस्तों तो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, फेयरव्यू एंटरटेनमेंट, इन दोनों ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है। और अगर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़, मोशन पिक्चर्स, इन दोनों का नाम आता है। और इसको जुलाई 9, 2019 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया, उसके बाद उसके 10 दिन बाद इसको यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ कर दिया गया। दोस्तों, द लायन किंग मूवी के अगर हम बजट की बात करें तो इसका जो बजट है वो काफ़ी तगड़ा है। इस फिल्म को 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बजट में बनाया गया था, लेकिन इसने जो है वो बॉक्स ऑफिस पर
जो कमाई की वो $1.5 billion से भी ज़्यादा की थी। इतनी भारी मात्रा में कमाई की कि लोग इस फिल्म के दीवाने हो गए। उन्होंने कहा कि ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है और एक ऐसा शाहकार है जिसे हर किसी को देखना चाहिए। तो जब 1994 में लायन किंग आई तो इसका जो इसका एक रीमेक बनाना था उन्होंने, इसको सितंबर 2016 में कंफर्म किया गया फेवरियो के द्वारा, और उन्होंने कहा कि डिज्नी के बहुत सारी फिल्में कामयाब हो रही हैं। तो उन्होंने फिर इसको डिज्नी ने हायर किया नथनसन को कि उसकी स्क्रीन पर लिखें अक्टूबर 2016 में। उसके बाद उन्होंने थोड़े से रोल्स में चेंजिंग की और 2017 में जो है इसकी एक प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू कर दी गई ब्लू स्क्रीन स्टेज लॉस एंजल्स में, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टूल्स यूज़ किए और इसको जो है ग्रेटर इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से की गई, और हैंस ज़िमर जो है उन्होंने पूरा इसमें धमाकेदार म्यूज़िक दिया। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो मूवी है इसके जो कमाल इसने दिखाया है कि ये एक्सपेंसिव यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म जो अब तक बनाई गई है उसकी लिस्ट में आई। और उसके अलावा इसने एक और इसका एक फैक्ट है कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव लाइव एक्शन रीमेक है डिज्नी के द्वारा। जब इसको चलाया गया तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, इसने बहुत बढ़िया कमाई की। आपको ये भी बता दूँ इसने बहुत सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें इसने फ्रोजन को भी पीछे छोड़ा जो कि हाईएस्ट ग्रोसर एनिमेटेड फिल्म थी, और यह बनी 7वीं हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म ऑल टाइम और दूसरी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म 2019 की, और ये बहुत बड़ी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म रही दोस्तों। आगे आपको बता दूं कि इस फिल्म में बहुत सारे नॉमिनेशन में भी अपना एक पार्ट दिया है, जिसमें 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, 25 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, और इसको नॉमिनेट किया गया 73 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में और 92 एकेडमी अवार्ड में विजुअल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद इसका एक प्रीक्वल था जिसका नाम था मुस्फासा द लायन किंग, जिसको अब कहा जा रहा है कि ये July 5, 2024 को रिलीज़ किया गया था, और बैरी जेंकिंस को अटैच किया गया है ताकि वो उसको डायरेक्ट कर सके। तो चलिए इसकी अब स्टोरी के बारे में भी बात कर ही लेते हैं कि इसकी स्टोरी कैसी है। आपको बहुत हैरानी होगी जानकर इस फिल्म की स्टोरी। प्राइड लैंड्स ऑफ अफ्रीका में प्राइड रॉक से जानवरों की बादशाही पर शेरों का एक फख्र हुकूमत करता है। बादशाह मुफासा और मलका सरा भी अपने नौजायदा बेटे सिम्बा को बादशाही दुश्मन और मशीर रफकीकती मेंडल के ज़रिए जमा करवाने वाले जानवरों को पेश करते हैं। मुफासा सिम्बा को प्राइड लैंडर्स दिखाता है और इसे बादशाही की जिम्मेदारियों और हल्के हयात की वजाहत करता है जो तमाम जानदारों को जोड़ता है। मुफासा को उसका छोटा भाई शिकार तख्त का लालच करता है। मुफासा का उसके बाद होता यह है कि वो साजिशें करना शुरू कर देता है ताकि वो बादशाह बन जाए। एक दिन सिम्बा और इसके सबसे अच्छे दोस्त नाला ने हाथियों के कब्रिस्तान की तलाश की
जहाँ इनका पीछा करने वाले दागदार एहनाओं के कबीले ने इनका पीछा किया, जिसकी क़यादत बेरहम शेंजी करते थे। मुफासा ने इस वाक्य के बारे में अपने मेजड़ों में हॉर्नबिल जाजों से सुना और बच्चों को बचाया। अगर जैसीबा से इसकी नाफरमानी करने और अपने आप को नाला को ख़तरे में डालने पर नाराज़ है, मुफासा इसे माफ़ कर देता है और बताता है कि माजी के अजीम बादशाह रात के आसमान से इनकी निगरानी करते हैं, जहाँ से वो एक दिन सिम्बा पर नज़र रखेगा। बाद में इस कार जिसने इस सारी चीज़ की मनसूबाबंदी की थी हिन्नास का दौरा करता है और इन्हें कायल करता है कि वो प्राइड लैंड्स में शिकार के हकूक के बदले मुफासा का तख्ता उलटने में इसकी मदद करें। शिकार अपने भाई और भतीजे के लिए एक जाल बिछाता है, सिम्बा को घाटी में ले जाते हैं और हाइना को जंगली जानवरों के एक बड़े रेवड़ को भगड़ में डालने पर मजबूर करता है, जो इसे रोंद देता है। वो मुफासा को सिम्बा के ख़तरे से आगाह करता है, ये जानते हुए कि इसे बचाने के लिए भागेगा। मुफासा सिम्बा को बचाता है, लेकिन घाटी के किनारे से ख़तरनाक तौर पर लटक जाता है। इस कार ने मुफासा की मदद करने से इनकार कर दिया, बजाय इसके कि इसे मौत के मुंह में भेज दिया। इसके बाद वो सिम्बा को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सानहा इसकी गलती थी और इसे कहता है कि प्राइड लैंडर्स छोड़ दो और कभी वापस ना जाओ। वो हया को ख़त्म हुक्म देता है कि इसे मार डाले, लेकिन सिम्बा फरार हो जाता है। इसकार फ़ख्र को बताता है कि भगदड़ में ने मुफासा और सिम्बा को हलाक कर दिया और नए बादशाह के तौर पर आगे बढ़ते हुए हाइना को प्राइड लैंडर्स में रहने की इजाज़त दी, जो कि उसके नज़दीक बहुत बड़ी बात थी। आगे दोस्तों जो होता है कि ये जो है बहुत ही लंबी चलती है इसकी स्टोरी, और कुछ लोगों बल्कि ज़्यादातर लोगों को इसमें बहुत पसंद होता है कि उन्होंने ऐसी स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से सुनी, और ये फिल्म भी उस पर ही तकरीबन आधारित है। आगे आपको बता दो दोस्तों के अपने दोस्तों की मदद से सिम्बा प्राइड रॉक में हैना के पास से गुज़रता है और उसका रुका सम्मान करता है जो शराबी से लड़ने वाला था। इस कार ने सिम्बा को मुफासा की मौत बहुत बेस के किरदार पर ताला दिया और इसे चट्टान के किनारे तक पहुंचा दिया, जहां इसने इंकशाफ किया कि इसने मुफासा को कत्ल किया है। गुस्से में सिम्बा बाकी फ़ख्र को सच बताता है। इस कार ने अपना दिफा करने की कोशिश की, लेकिन मुफासा के आखिरी लम्हात के बारे में इसका इल्म पहले ये दावा करने के बावजूद कि वो घाटी में बहुत देर से पहुंचा,
मुफासा की मौत में इसके किरदार को बेनकाब करता है। टिम्मन, पुम्मा, जाजू, रफीकी और शेरनी हिनास को रोकते हैं जबकि स्कार फरार होने की कोशिश करते हुए प्राइड रॉक की चोटी के करीब एक किनारे पर टकरा जाता है। ताग रहम की भीख मांगता है और अपने जराइम का इल्ज़ाम हाइना पर उलट डालने की कोशिश करता है। सिम्बा अपनी जान बचाता है लेकिन प्राइड लैंडर्स को हमेशा के लिए छोड़ने का हुक्म देता है, जो कि बहुत ही गंभीर बात होती है। उसे कहता है कि तुम इसे छोड़ दो। और दोस्तों, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मूवी द लायन किंग जो है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टोरी वाली मूवी है। बहुत सारे लोगों ने इसको देखा हुआ है। इस मूवी की फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसके ज़्यादातर फ़ैन जो है वो इंडिया में नज़र आने को देखते हैं, लेकिन फिर भी ये हालांकि एक इंग्लिश मूवी है, लोग इसे बहुत ज़्यादा अपने पसंद करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम द लायन किंग मूवी इसका रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, ये डिज्नी की बहुत ही एक ज़बरदस्त फिल्म है जो कि काफ़ी कामयाब भी रही है। द लायन किंग एक 2016 की अमरीकी म्यूज़िकल ड्रामा फिल्म है और इसे डायरेक्ट और को प्रोड्यूस किया है जॉन फेवेरिया ने। और आगे बात करें दोस्तों, द लायन किंग को का स्क्रीन प्ले किया है जेफ नेथनसन और ये आधारित है डिज्नी की लायन किंग। और आगे बता दूं, इसको प्रोड्यूस करने में हाथ है जॉन फेवरियो, जेफरी सिल्वर, कैरन गिलक्रिस्ट का। और अगर हम दोस्तों स्टेयरिंग की बात करें तो लायन किंग की स्टेयरिंग में आते हैं डोनाल्ड ग्लोवर, सेथ रॉगन, चिविटल इजियोफोर, एल्फ्रे वोडॉर्ड, बिली आइकनर, जॉन कानी, जॉन ऑलिवर, बियोनिंस, नोवेल्स कार्टर और आखिर में जेम्स अर्ल जॉनस। इस मूवी द लायन किंग की सिनेमाटोग्राफी की है कालेब डेस्टचैनल ने और इसका एडिट किया है मार्क लीवोल्सी और एडम गेर्स्टल ने। म्यूज़िक इसका हैंस जिमर ने दिया है और प्रोडक्शन कंपनी की बात करें दोस्तों तो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, फेयरव्यू एंटरटेनमेंट, इन दोनों ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है। और अगर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़, मोशन पिक्चर्स, इन दोनों का नाम आता है। और इसको July 9, 2019 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया। उसके बाद उसके 10 दिन बाद इसको यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज़ कर दिया गया। दोस्तों, द लायन किंग मूवी के अगर हम बजट की बात करें तो इसका जो बजट है वो काफ़ी तगड़ा है। इस फिल्म को 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बजट में बनाया गया था, लेकिन इसने जो है वो बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई की वो 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की थी। इतनी भारी मात्रा में कमाई की कि लोग इस फिल्म के दीवाने हो गए। उन्होंने कहा कि ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है और एक ऐसा शाहकार है जिसे हर किसी को देखना चाहिए। तो जब 1994 में लायन किंग आई तो इसका एक रीमेक बनाना था उन्होंने। इसको सितंबर 2016 में कंफर्म किया गया
फेवरियो के द्वारा, और उन्होंने कहा कि डिज्नी के बहुत सारी फिल्में कामयाब हो रही हैं। तो उन्होंने फिर इसको डिज्नी ने हायर किया नथनसन को कि उसकी स्क्रीन पर लिखें अक्टूबर 2016 में। उसके बाद उन्होंने थोड़े से रोल्स में चेंजिंग की और 2017 में जो है इसकी एक प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू कर दी गई ब्लू स्क्रीन स्टेज लॉस एंजेलिस में, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टूल्स यूज़ किए और इसको जो है एक ग्रेटर इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से की गई, और हैंस ज़िमर जो है उन्होंने पूरा इसमें धमाकेदार म्यूज़िक दिया। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो मूवी है इसके जो कमाल इसने दिखाया है कि ये एक्सपेंसिव यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म जो अब तक बनाई गई है वो उसकी लिस्ट में आई। और उसके अलावा इसने एक और इसका एक फैक्ट है कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव लाइव एक्शन रीमेक है डिज्नी के द्वारा। जब इसको चलाया गया तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, इसने बहुत बढ़िया कमाई की। आपको ये भी बता दूँ इसने बहुत सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें इसने फ्रोजन को भी पीछे छोड़ा जो कि हाईएस्ट ग्रोसर एनिमेटेड फिल्म थी, और ये बनी 7वीं हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म ऑल टाइम और दूसरी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म 2019 की, और ये बहुत बड़ी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म रही दोस्तों। आगे आपको बता दूं कि इस फिल्म में बहुत सारे नॉमिनेशन में भी अपना एक पार्ट दिया है, जिसमें 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, 25 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, और इसको नॉमिनेट किया गया 73 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में और 92 एकेडमी अवार्ड में विजुअल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद इसका एक प्रीक्वल था जिसका नाम था मुस्फासा द लायन किंग, जिसको कहा जा रहा है कि ये July 5, 2024 को रिलीज़ किया गया था, और बैरी जेंकिंस को अटैच किया गया है ताकि वो उसको डायरेक्ट कर सके। तो चलिए इसकी अब स्टोरी के बारे में भी बात कर ही लेते हैं कि इसकी स्टोरी कैसी है। आपको बहुत हैरानी होगी जानकर इस फिल्म की स्टोरी। प्राइड लैंड्स ऑफ अफ्रीका में प्राइड रॉक से जानवरों की बादशाही पर शेरों का एक फख्र हुकूमत करता है। बादशाह मुफासा और मलका सराबी अपने नौजायदा बेटे सिम्बा को बादशाही दुश्मन और मशीर रफकीकती मेंडल के ज़रिए जमा करवाने वाले जानवरों को पेश करते हैं। मुफासा सिम्बा को प्राइड लैंडर्स दिखाता है और इसे बादशाही की जिम्मेदारियों और हल्क हयात की वजाहत करता है जो तमाम जानदारों को जोड़ता है। मुफासा को उसका छोटा भाई शिकार तख्त का लालच करता है। मुफासा का उसके बाद होता यह है कि वो साजिशें करना शुरू कर देता है ताकि वो बादशाह बन जाए। एक दिन सिम्बा और इसके सबसे अच्छे दोस्त नाला ने हाथियों के कब्रिस्तान की तलाश की, जहां इनका पीछा करने वाले दागदार एहनाव के कबीले ने इनका पीछा किया, जिसकी क़यादत बेरहम शेंजी करते थे। मुफासा ने इस वाक्य के बारे में अपने मेजड़ों में हॉर्नबिल जाजू से सुना और बच्चों को बचाया। अगर जैसे सिम्बा
से इसकी नाफरमानी करने और अपने आप को नाला को ख़तरे में डालने पर नाराज़ है। मुफासा इसे माफ़ कर देता है और बताता है कि माजी के अजीम बादशाह रात के आसमान से इनकी निगरानी करते हैं, जहाँ से वो एक दिन सिम्बा पर नज़र रखेगा। बाद में इस कार जिसने था इस सारी चीज़ की मनसूबाबंदी की थी हिन्नास का दौरा करता है और इन्हें कायल करता है कि वो प्राइड लैंड्स में शिकार के हकूक़ के बदले मुफासा का तख्ता उलटने में इसकी मदद करें। शिकार अपने भाई और भतीजे के लिए एक जाल बिछाता है, सिम्बा को घाटी में ले जाते हैं और हाइना को जंगली जानवरों के एक बड़े रेवड़ को भगड़ में डालने पर मजबूर करता है, जो इसे रोंद देता है। वो मुफासा को सिम्बा के ख़तरे से आगाह करता है, ये जानते हुए कि इसे बचाने के लिए भागेगा। मुफासा सिम्बा को बचाता है, लेकिन घाटी के किनारे से ख़तरनाक तौर पर लटक जाता है। इस कार ने मुफासा की मदद करने से इनकार कर दिया, बजाय इसके कि इसे मौत के मुंह में भेज दिया। इसके बाद वो सिम्बा को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सानहा इसकी गलती थी, और इसे कहता है कि प्राइड लैंडर्स छोड़ दो और कभी वापस ना जाओ। वो हया को ख़त्म हुक्म देता है कि इसे मार डाले, लेकिन सिम्बा फरार हो जाता है। इस कार फ़ख्र को बताता है कि भगदड़ में ने मुफासा और सिम्बा को हलाक कर दिया और नए बादशाह के तौर पर आगे बढ़ते हुए हाइना को प्राइड लैंडर्स में रहने की इजाज़त दी, जो कि उसके नज़दीक बहुत बड़ी बात थी। आगे दोस्तों जो होता है कि ये जो है बहुत ही लंबी चलती है इसकी स्टोरी, और कुछ लोगों बल्कि ज़्यादातर लोगों को इसमें बहुत पसंद होता है कि उन्होंने ऐसी स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से सुनी, और ये फिल्म भी उस पर ही तकरीबन आधारित है। आगे आपको बता दो दोस्तों के अपने दोस्तों की मदद से सिम्बा प्राइड रॉक में हाइना के पास से गुज़रता है और उसका रुका सम्मान करता है, जो शराबी से लड़ने वाला था। इस कार ने सिम्बा को मुफासा की मौत में इसके किरदार पर ताला दिया और इसे चट्टान के किनारे तक पहुंचा दिया, जहां इसने इंकशाफ किया कि इसने मुफासा को कत्ल किया है। गुस्से में सिम्बा बाकी फ़ख्र को सच बताता है। इस कार ने अपना दिफा करने की कोशिश की, लेकिन मुफासा के आखिरी लम्हात के बारे में इसका इल्म पहले ये दावा करने के बावजूद कि वो घाटी में बहुत देर से पहुंचा, मुफासा की मौत में इसके किरदार को बेनकाब करता है। टिमन पुम्मा जाजू रफीकी और शेरनी हिनास को रोकते हैं, जबकि स्कार फरार होने की कोशिश करते हुए प्राइड रॉक की चोटी के करीब एक किनारे पर टकरा जाता है,
दाग रहम की भीख मांगता है और अपने जराइम का इल्ज़ाम हाइना पर उलट डालने की कोशिश करता है। सिम्बा अपनी जान बचाता है लेकिन प्राइड लैंडर्स को हमेशा के लिए छोड़ने का हुक्म देता है, जो कि बहुत ही गंभीर बात होती है। उसे कहता है कि तुम इसे छोड़ दो। और दोस्तों, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मूवी द लायन किंग जो है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टोरी वाली मूवी है। बहुत सारे लोगों ने इसको देखा हुआ है। इस मूवी की फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसके ज़्यादातर फ़ैन जो है वो इंडिया में नज़र आने को देखते हैं, लेकिन फिर भी ये हालांकि एक इंग्लिश मूवी है, लोग इसे बहुत ज़्यादा अपने पसंद करते हैं।